पाकिस्तान में बारिश अगर हो जाए साल में एक आध दफ़ा, शहर डूब जाता है। इतनी सी बारिश होती है, शहर डूब जाता है। बारिश तूफानी भी होगी ना, दो सेकंड बाद बाहर निकलोगे लगेगा कुछ नहीं है, देयर ड्रेनेज सिस्टम। पाकिस्तानी एक लड़की जो कि बांग्लादेश में रहती है और वहाँ पे उनका बिजनेस चल रहा है, तो उन्होंने बांग्लादेश के बारे में बात की है कि अगर पाकिस्तान के अंदर बारिश होती है तो दिनों तक पानी कड़ा होता है, जबकि बांग्लादेश के ढाका सिटी में अगर बारिश हो जाती है तो दो मिनट के अंदर अंदर सारा साफ सुथरा हो जाता है, मतलब दो मिनट बाद आपको पानी भी वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। चलिए पाकिस्तानी लड़की के बारे में बात करते और आपको बताते कि पाकिस्तानी लड़की बांग्लादेश के ढाका सिटी के बारे में क्या बात करती है और बाकी जगहों के बारे में क्या बात करती है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि डेवलपमेंट वहाँ पे काफी ज्यादा हुई है, आपको ना सड़कें गंदी मिलेगी और ना आपको सड़कों के ऊपर पानी देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए पहले वीडियो देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या सच में ऐसा है या ये सिर्फ बात कर रही है। तो वीडियो देख के फिर आपके साथ बात करते हैं। पाकिस्तान में बारिश अगर हो जाए साल में एक आध दफा, शहर डूब जाता है। इतनी सी बारिश होती है, शहर डूब जाता है। कराची में तो कराची इज गॉन। ढाका में कुछ एरियाज हैं, देयर वाज अ टाइम वहां पे बारिश खासी होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ मानसून बहुत रहता है, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि गर्म बहुत है, बारिश होती है ठंडा हो जाता है, फिर बारिश होती है फिर ठंडा हो जाता है। बट सो आई लिव इन गुलशन का एरिया, वो वहाँ का पौश इलाका है। इकबाल, हाँ वो वहाँ का पौश इलाका है, इट्स लाइक यहाँ का डिफेंस क्लिफ्टन कह लो। बारिश तूफानी भी होगी ना, दो सेकेंड बाद बाहर निकलोगे लगेगा कुछ नहीं है, देयर ड्रेनेज सिस्टम इज ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, अगर आप पुरान ढाका की तरफ जाएंगे, अंडर डेवलप्ड जगह जाएंगे, वहाँ पर ये होगा, एक दफा ऐसे सुनने में आया था कि पानी भर गया घुटनों तक के टखनों तक पानी आया था, एंड पीपल लाइक कि क्या हो रहा है ना। तो मतलब सिस्टम अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, अच्छा है, कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उनकी बिल्डिंग्स आर रियली नाइस। रोड कैसे हैं? हाँ, रोड्स कंजेस्टेड बहुत हैं, इसीलिए जो उनकी बिल्डिंग्स, पता है हमने 6-8 महीने बाद सर उठा के देखा तो यार बिल्डिंग्स तो बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी रोड्स हैं ना, इट्स लाइक वेरी इट्स स्मॉल, तो आप ट्रैफिक में इतना फंसे रहते हो कि यू डोंट रियली गेट द चांस टू अप्रिशिएट द ब्यूटी मच। अच्छा, या और ये फ्लाईओवर और अंडरपास, इस तरह की चीजें हैं उनका, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसेंटली उनका एक बड़ा ब्रिज खुला है, इट्स कॉल्ड द पद्मा ब्रिज, इट्स रिटन पद्मा बट इट्स दैट्स हाउ इट्स प्रोनाउंस, कॉल्ड द पद्मा ब्रिज। तो उसने लोगों के लिए बहुत आसानी कर दी है, बिकॉज इट connects the roads and stuff, and it's one of the biggest bridges they've got, so they are still developing, but Pakistan is way ahead, I will say. तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, एक पाकिस्तानी लड़की बांग्लादेश की तारीफ कर रही है, तो दैट्स मीन के बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे कुछ काम किया होगा, कुछ ऐसे चीजें हुई होगी जिसकी वजह से बांग्लादेश की तारीफ सब कर रहे हैं। इसमें इन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश के अंदर जो रोड सिस्टम है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो इतना अच्छा बनाया गया है कि दो मिनट बाद भी आपको पानी नहीं कड़ा देखने को मिलेगा, मतलब कि अगर बारिश हो जाती है तो आपको दो मिनट बाद पानी बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, जैसे ही बारिश रुकेगी दो मिनट के अंदर अंदर पूरे सिटी के अंदर पानी जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। कि पाकिस्तान के कराची में ऐसा है कि भाई पानी जो है ना गायब ही नहीं होता, महीनों महीनों तक वो सड़कों के ऊपर वही पानी कड़ा होता है और फिर वो दोबारा से गटरों में जाता है और फिर उबल के आता है, रोड गंदे हो जाते हैं। तो बांग्लादेश के बारे में पाकिस्तानी का एक रिएक्शन जो था वो एक्सपीरियंस उनका था कि भाई वहां पे उनके निजाम बेहतर है, वहां पे अगर उन्होंने सिटी में पॉपुलेशन ज्यादा है तो सिटी को इतना आगे लेके बनाया गया है कि वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे हम ढाका की बात करें, ओल्ड ढाका की बात करें या न्यू ढाका की बात करें, तो उन्होंने सिस्टम ऐसे बनाए हैं, उन्होंने चीजें ऐसे बनाई है, वहां पे आपको ट्रैफिक का इशू तो देखने को मिलेगा बट ट्रैफिक रूल्स आपको देखने को मिलेंगे कि रूल्स बेहतर है, वहां पे ड्रेनेज सिस्टम है, आप वहां की सारी चीजें, तो जिसकी वजह से आपको वहां पे प्रॉब्लम्स दिखाई कम देती है। बाकी जगह भी है बट आपको बांग्लादेश के अंदर अगर एक चीज देखो बताऊं तो ढाका सिटी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दे रखने वाली सिटी है बांग्लादेश की, और ढाका ही वहां पे सबसे ज्यादा हम देखने को मिलते हैं, तो बड़े बड़े बस हम देखने को मिलते हैं, डबल डेकर बस है, मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो बसेस है, बड़े प्रोजेक्ट्स हमें सिर्फ ढाका के अंदर ही दिखने को मिलते हैं। तो पाकिस्तानियों का राय तो बड़ी जबरदस्ती है कि भाई पाकिस्तान से आगे है वो लोग, पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की वो कर रहे हैं, पाकिस्तान से ज्यादा काम उन्होंने किया है, तो मुझे तो अच्छा लगा। आप लोग अपनी राय मुझे बताइएगा कि क्या पाकिस्तानियों के राय आपके बारे में ठीक है, क्या सच में ऐसा निजाम बनाया गया है बांग्लादेश के अंदर के दो दिन बाद भी वहां पे बारिश होने के बाद आपको बिल्कुल कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें।